आदाबी आईपीटीवी, सच आपके सामने। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को मुंबई में हराकर सीरीज जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 में टीम इंडिया की हार के बाद ये सीरीज अब बेहद ही रोमांचक हो गया है। वेस्ट इंडीज ने इस सीरीज में दमदार वापसी करते हुए बता दिया है उनको हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल है। दोस्तों, पिछले मैच में जीत से उत्साहित वेस्ट इंडीज की टीम अब हैदराबाद पहुंच चुकी है और फाइनल मुकाबले के लिए प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है। तो वही टीम इंडिया भी मुंबई पहुंच चुकी है और सीरीज को हर हाल में जीतने के लिए नेट पर सुबह से ही पसीना बहा रही है। दोस्तों, ये फाइनल मुकाबला मुंबई में 11 तारीख को शाम 7 बजे से खेला जाएगा और टीम इंडिया इस मैच के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसका इशारा हमें विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल गया था, जब विराट ने अपने खिलाड़ियों को साफ शब्दों में कह दिया था कि फाइनल मैच में हर किसी को मैदान में मुस्तैद रहना होगा और हर नामुमकिन कैच को पकड़ना ही होगा। दोस्तों, आपको बता दें, फाइनल मैच के लिए गूगल ने टीम इंडिया को जीत का दावेदार बताया है। आप यहां देख सकते हैं, गूगल साफ साफ कह रहा है कि टीम इंडिया का 71% चांस है जीतने का, जबकि वेस्ट इंडीज का सिर्फ 29% चांस है इस मैच को जीतने का। लेकिन दोस्तों, फिर भी पिछले मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने जिस तरह से बैटिंग की वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है, इसलिए विराट कोहली इस फाइनल मुकाबले के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और टीम में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं और वह बड़ा बदलाव सबसे पहले गेंदबाजी यूनिट में करेंगे। जैसा कि पिछले मैच में टीम के गेंदबाजों ने बेहद खराब गेंदबाजी की थी, आपको बता दें 170 रन उस पिच पर कम नहीं थे। अगर टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी रहती तो टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को 150 रनों पर ही समेट देती और तिरुवनंतपुरम में ही सीरीज अपने नाम कर लेती। आपको बता दें, बांग्लादेश जैसे कमजोर टीम के सामने हैट्रिक लेने वाले दीपक चाहर वेस्ट इंडीज जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के सामने बिल्कुल फीके नजर आ रहे हैं। दीपक ने दूसरे मैच में 3 ओवर में 3 गेंदे फेंकी और उसमें भी 10 के महंगे इकोनॉमी से 35 रन दे डाले और एक भी विकेट नहीं ले पाए, जबकि पहले मैच में भी उनका प्रदर्शन कुछ ऐसा ही था। तो विराट कोहली फाइनल मैच के लिए शायद ही रिस्क ले और उसकी जगह बाहर बैठे टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वे एक अनुभवी गेंदबाज हैं और फाइनल मैच में अनुभव की बेहद जरूरत होती है। दोस्तों, विराट गेंदबाजी में एक और बदलाव करेंगे। बेअसर गेंदबाजी के साथ खराब फील्डिंग करने वाले वॉशिंगटन सुंदर को इस मैच के लिए बाहर किया जा सकता है। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर का फील्डिंग कमजोर है। उन्होंने दोनों मैच में 3 आसान कैच टपका दिए जो भारत का हार का कारण बना। तो अब विराट कोहली शायद ही उन्हें फाइनल मैच में खिलाने का रिस्क लेंगे। विराट उनकी जगह चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं। कुलदीप यादव कई मैच भारत को अपने दम पर जिताए हैं। तो दोस्तों, इस मैच में कुलदीप और चहल की जुगलबंदी फिर देखने को मिलेगी, जहां दोनों गेंदबाज वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को ढेर कर देंगे। तो वहीं बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर की जगह मनीष पांडे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस सीरीज में उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए वे जाने जाते हैं। पिछले मैच में जहां तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, तो उन्होंने 11 गेंदों में 10 रन ही बनाए थे। तो वहीं मनीष पांडे अच्छी फॉर्म में हैं और कर्नाटक को अभी चैंपियन बनाकर लौटे हैं, तो उन्हें इस मैच में खेलने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, फाइनल मैच में विराट कोहली इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर सकते हैं। रोहित शर्मा, KL राहुल, शिवम दुबे, विराट कोहली, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। दोस्तों, आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं आप किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करना चाहिए और किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करना चाहिए। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।